मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कस्बा करहल के अहिंसा पेट्रोल पंप पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, एमएलसी असीम यादव, एमएलसी पुष्पराज जैन का जैन समाज ने जोरदार स्वागत हुआ। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी जी के बयान, सपा का काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी पर किया पलटवार। श्री जैन ने कहा, मुख्यमंत्री अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। समाजवादी पार्टी युवाओं को आगे ले जाने वाली पार्टी है। व्यापारी वर्ग 5 साल में बहुत परेशान हो चुका है। आज के समय में व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी की सभा में 500-600 लोगों की भीड़ हो रही है। इस बार संपूर्ण व्यापारी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और अखिलेश यादव को 1.5 लाख मतों से जीत दिलवाएंगे। इसी दौरान राहुल अहिंसा, विमल कुमार जैन, नवनीत जैन, सौरभ जैन, हिमांशु जैन, राकेश जैन, नीरज जैन, अनिल जैन, कमल कुमार जैन, मुकेश जैन, प्रमोद जैन, मुकेश, अमित जैन व अन्य लोग मौजूद रहे। सपा का काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मुख्यमंत्री जी तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनकी उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। समाजवादी पार्टी विकासवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी युवाओं को आगे लेके जाने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। योगी सरकार ये कह रही है कि जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी वर्ग बीजेपी को वोट करेगा, उसके लिए क्या कहेंगे? आज के समय में कोई भी व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा है, उसको मालूम है 5 साल में कितना उत्पीड़न हुआ है। और ठोंको नीत वाले ये मुख्यमंत्री जी हैं, जिसको चाहते जब ठोंक देते हैं, तो अब इनके साथ कोई भी नहीं है। आप इनकी सभाओं का भी देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री की सभा में 500-600 लोग, अभी कन्नौज में योगी जी आए थे उसमें 400-500 लोग थे। इसी से आप अंदाजा लगाइए, कोई भी वर्ग इनके साथ में आज की तारीख में नहीं खड़ा है। कल मुख्यमंत्री आज करहल आए जी, तो यहाँ का जो माहौल है, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति रही है? एक तरफा चुनाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और जो जैन समाज की यहाँ जो भूमिका होगी, उसमें क्या मानेंगे? जैन समाज पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के संग हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जैन समाज हमेशा समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। करहल की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ,